गुजरात में, उसका आरटीओ मिला था मेरे को टूल टैक्स पर। मैंने थोड़ी आगे लगा गाड़ी साइड में, उसके पास में गया सर, वो मेरे को थप्पड़ उप्पड़ दिया सर, मेरे मार पिटाई करी मेरी उसने। मार पिटाई करने के बाद मेरे को गाड़ी बिठाने लग गए। जबरदस्ती है आपकी? नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर को गिरेबान से पकड़कर कहां ले जा रहे थे आरटीओ कर्मी? सर, ईवी को जबरदस्ती है क्या? सर, ईवी को जबरदस्ती है क्या आपकी? सर, ईवी को जबरदस्ती है क्या? सर, ईवी को जबरदस्ती है क्या आपकी? हमने और आपने पहले ऐसी कई खबरें देखी और सुनी है जिसमें आरटीओ कर्मी पहले पैसे मांगते थे, डंडा मारते थे, लेकिन अब तो कर्मी ड्राइवर को गाड़ियों में भरकर आरटीओ ऑफिस ले जाने लगी है, धक्का मुक्की करने लगी है। जी हाँ, इस खबर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये आरटीओ कर्मी ड्राइवर के साथ जोर जबरदस्ती कर गाड़ी में ठूसने को हो रहे हैं। यहाँ ड्राइवर इनसे बात कर रहा है, लेकिन ये कर्मी ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर ड्राइवर को जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्राइवर है आबिद खान, गुजरात का रहने वाला है और मुंबई से हरियाणा केमिकल लोड करके आया था। ड्राइवर का कहना है कि मोंडासा गुजरात में एक टोल से कुछ दूरी पर ये टोल कर्मी आए और ड्राइवर की गाड़ी के आगे गाड़ी लगाकर बिल्टी मांगने लगे। यहाँ तक कि ड्राइवर की गाड़ी को साइड पर भी नहीं लगाया गया, बल्कि बीच सड़क पर लगाकर बिल्टी मांगी। और अब आप सब समझ ही गए होंगे कि बिल्टी क्यों मांगी गई। बिल्टी ड्राइवर का भाड़ा लेने का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और फिर क्या था, कर्मियों ने कहा कि तुम्हारा चालान होगा, कागज पूरे थे, लाइसेंस साथ था और माल भी अंडरलोड था, लेकिन बीच सड़क पर इन कर्मियों ने दंगल शुरू कर दिया। कंडक्टर ने इस पूरी घटना की वीडियो बनाई जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ड्राइवर को जबरन गाड़ी में बिठाया जा रहा है। पहले तो ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में ड्राइवर ने 500 रुपए निकाल कर कर्मी को दिए, जिसके बाद उसे जाने दिया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरटीओ का रवैया कैसा है। ड्राइवर का कॉलर पकड़ना, मनमानी कर गाड़ी में जबरन बिठाना, रौब दिखाना और जेब गरम होने पर ड्राइवर को जाने देना। फिलहाल आज के लिए इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये इंजन ऑयल कहां से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलता है इंजन ऑयल। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।